होने वाले पति को देखा नहीं, अगर उसका एक बाजार बंद हुआ तो तो मैं अपनी शुभ शुभ बोलने वाली सहेली के दोनों बाजार बंद कर दूंगी। और अगर लंगड़ा हुआ तो तेरी तो टांगों की बहरा होगा तो जी भर के गालियाँ देना, उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। तू तो बहरी नहीं है ना, पहले तो तेरी खबर लेती हूँ। अरे अरे, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, तुमने उसे देखा थोड़ी ही है, वो कैसा भी उल्टा सीधा हो सकता है। होगा तो अपने नसीब से होगा, तुम सब देख के शादी कर लेना, जैसे देखने से राजकुमार मिल जाता है। अरे पारो, ये तो वही है जो हमें मेले में मिला था। आप यहाँ? जी हाँ, मैं प्यास लगी थी, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ मिलेगा, पकड़। ये आप ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं, अगर मेले में तुम्हारी तस्वीर न मिलती और उस तस्वीर को देखकर बाबूजी तुम्हें सरपंच के घर पे न पहचानते तो शायद मैं कुंवारा ही रह जाता। हाय रब्बा। पारो, पारो अभी देखकर बताओ मैं तुम्हें पसंद हूं ना, कल को सहरे ने चेहरा छुपा लिया तो मैं दिखाई नहीं दूंगा। हाँ पारो, बोलो पारो, जवाब दो। जरा सोचो, तुमसे मिलकर भी अगर तुमसे बात नहीं हुई तो क्या मैं चैन से सो पाऊंगा आज रात को? नहीं पारो, मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बेचैन हूं। हां पारो, कुछ तो बोलो। ठीक है, कुछ नहीं कहना चाहती तो मत कहो, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक तुम मुझे आवाज नहीं दोगी ना, मैं लौट कर नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं चला पारो। सुनते हो? जानती हूँ मैं।
Thank you.